हेलो एवरीवन कैसे हो तुम लोग चलिए गोल्डन रूल्स के ये सेकेंड क्लास में मोस्ट वेलकम है और आप लोगों को मैं बता दूं जो लोग आज ज्वाइन किए हैं बेटा तो ये पूरा कंप्लीट एक सीरीज़ होगा और इस पूरे सीरीज़ में मैं उतना ही ग्रामर कराऊंगी जहां से क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं यानी कि बिल्कुल निचोड़ कर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ग्रामर लेके आई जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कल जो मैंने आपको पढ़ाया मैंने आपको बताया बेटा वर्व क्या है डूइंग वर्ड है जो आपके एक्शन को बताता है या अवस्था को बताता है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ये एक्शन है मैं आपको जानती हूँ मैं आपको नहीं जानती हूँ ये मेरे दिमाग की अवस्था है आई लव यू ये मेरे दिल की अवस्था है आई एम अ टीचर ये मेरे समाज में मेरी अवस्था है यानी अवस्था और वर, जो क्रिया है इसको बताने वाला शब्द होता है वर्ब जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर बेटा पर वर्ब वर्ब है है यानी state बताने वाला है. ये लव मेरे दिल का स्टेट बताने वाला वर्ब है आई नो यू यानी मेरे दिमाग का स्टेट बताने वाला वर्ब है बेटा ये तीनों एक्शन नहीं है क्यों क्योंकि आप मुझे देख नहीं सकते वो करते हुए लेकिन आई टीच यू स्टडी गोस ही कम्स इसका मतलब ये सारे डूइंग वर्ब है जो आपको एक्शन करते हुए दर्शाता है बेटा ऑक्सिलरी वर्ब बताया मैंने सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बताया था डू बी और हैव इसमें मैंने डू और बी को एक्सप्लेन कर दिया था हैव आज बाकी है मॉडल्स मैंने कहा था सिर्फ दो चीजें याद रखो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब बेस फॉर्म में आता है यह मैंने बताया था और एक चीज मैंने कहा था कि बेटा मॉडल के बाद एक मेन वर्ब आना ही चाहिए अब आ जाओ मेन वर्ब मैंने कहा था बेटा मेन वर्ब रेगुलर वर्ब से जो आपको जनरली याद रहता है ईडी डी ईडी लगाते चले जाते हो लेकिन एक रेगुलर वर्ब के अलावा इनरेगुलर वर्ब है बेटा जो किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता और वो मैंने आपको कहा था बेटा तीन तरह के हैं एक तो है जिसका तीनों फॉर्म सेम है जैसे जैसे कास्ट 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 स्प्रेड 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 कौस्ट, 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 पुट, पुट पुट एक है जिसमें दो फॉर्म सेम है जैसे गेट गॉट गॉट सिट सैट सैट कम केम कम और एक है जो बिल्कुल अलग है गो वेंट गॉन सी सो सीन डू डिट डन है ना फिर मैंने आपको ये कहा था कि बेटा ये पूरा रट्टा मार लो क्योंकि इसको आपको याद करना पड़ेगा जब हम चैप्टर टेंस करेंगे तो इसकी पूरी की पूरी की मुझे जरूरत पड़ेगी आपसे मुझे ये पूरा याद चाहिए ये मैंने रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स दोनों का पूरा लिस्ट दे दिया आपको निकाल के अगर और डिटेल में आपको ये चैप्टर चाहिए तो आप जो क्लास नोट से बेटा वो खरीद लेना केड़ी पब्लिकेशन से ही सिर्फ क्योंकि बाकी फ्लिपकार्ट में फर्जी बिक रहे हैं आइए अब आते हैं थ्री ऑक्सिलरी वर्ब में बेटा मैंने डू मैंने बी बता दिया था और बी में मैंने मैंने आपको कहा था कि बेटा वर्ब का जो बी का बी ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग है कहाँ इस्तेमाल होता है मैंने यह बताया था फिर मैंने अब कहा था इतना तो आना चाहिए वो मान के चलते हैं कि बच्चे को पता है आई वॉस अ डॉक्टर शी इज एन इंजीनियर वी आर फ्रेंड्स यानी उनको पता है वी के साथ आर वी के साथ वर आता है यू के साथ आर एंड ही के साथ इज आता है बेटा वो मान के चलते हैं अगर आप कहोगे मैडम मुझे इतना नहीं आता तो बेटा उसके ऊपर क्वेश्चन आता है और वो ये है कि काल्पनिक वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ड लगता है अगर इमेजिनरी पोजिशन है तो तो मैंने आपको लास्ट में एक चीज बता दिया था कि काल्पनिक वाक्य में वर्फ का सेकेंड फॉर्म लगता है वॉस को छोड़कर और ये मेन पॉइंट था जो मैंने कल इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था डू में मैंने ये कहा था कि बेटा डू का मतलब करना होता है ये प्राइमरी है क्योंकि प्राइमरी वर्व की तरह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्व दोनों के प्लेस पे आता है लेकिन मैंने आपको कहा था कि बेटा प्रोनाउन इतना बड़ा चैप्टर है नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है जो आप बाद में पढ़ोगे लेकिन वर्व के रिपीटेशन से बचने के लिए डू का प्रयोग होता है और ये एक्सप्लेन मैंने इसमें किया था चलिए आज हम शुरू करेंगे हाफ से और याद रखिएगा बेटा ये जो क्लास है उनके लिए है जो चाहते हैं जल्द से जल्द ग्रामर रिवाइज कर ले मैं यहां पे कोई भी बिना लाग लपेट के सिर्फ एक चीज बता दूं इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है स्पेशल बैच ले लेना और यहां पर मैं सिर्फ निचोड़ के जो कहते हैं ना सिर्फ सूप निकाल के एक परोस देना कि बेटा इतना में से तो क्वेश्चन आता ही आता है वो है अब आइए वर्व का अगर हैव की बात करें तो बेटा का base form, यही तो है have. First form, वही have. Second form, had है -E बेटा जब भी S -E -S form बोले ना, तो लास्ट में एस आना चाहिए यानी हैव का has बन गया थर्ड फॉर्म हैड है और वी वन आई जी हैविंग है अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक गाड़ी है है है, प्रेजेंट में है बताओ कैसे बोलोगे मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस पहले पूछूंगी मेरे पास एक गाड़ी है दूसरा मैं कहूंगी मेरा एक बेटा है तीसरा मैं कहूंगी मुझे कई समस्याएं हैं कई समस्याएं हैं ये तीन सेंटेंस मैं आपसे पूछ रही हूं जल्दी बताओ <coughs> बेटा बहुत बढ़िया वेरी गुड बहुत सही आप देखो जरा हिंदी में हमेशा कहती बेटा हिंदी डिफिकल्ट है देखो ना मेरे पास है क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ मेरे पास एक बेटा है नहीं कह सकती हूँ क्या कह सकती हूँ मेरे पास के समस्याएं नहीं कह सकती हूँ इसका मतलब है हिंदी तो डिफिकल्ट है इंग्लिश का मात्र एक स्ट्रक्चर है मेरे पास एक गाड़ी है आई हैव अ कार अ सन और मैनी लगाएंगे तो समस्याएं होंगे प्रॉब्लम्स लेकिन सब में एक ही चीज आया बेटा आई हैव एक ही स्ट्रक्चर है यानी पहला है पजेशन बताता है का पहला इस्तेमाल ये पोजेशन बताता है चलो अब मैं कहती हूं कि भाई इतना तो आपको आना चाहिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आप हमेशा कह देते इतना तो आना चाहिए फिर आप पढ़ाते क्यों बेटा मैं जानती हूं भारत की समस्या इतना नहीं आता बच्चों को लेकिन जो कमीशन बोलती कहती इतना तो आता होगा अब आ जाओ मैं आपको क्वेश्चन देती हूं जो एग्जाम का क्वेश्चन है वन टू एंड थ्री तीनों बेटा यही हो गया राइट right? अब सुनो ध्यान से फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैंने कल रात एक सपना देखा और सपना भी नहीं कहूंगी मैं एक दुस्वप्न देखा मतलब बुरा सपना अब बताओ मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा इसकी इंग्लिश बताओ बलवीर बेटा पढ़ाई करने आए हो यहां पे। बस जल्दी बताओ क्या होगा मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा बेटा बहुत सारे बच्चे कहते मैम देखा देखने का इंग्लिश होता है आ, सी का सेकेंड फॉर्म सौ आयुषी ने गलत एक जगह कर दिया आप सभी लोग एक तो सही कर रहे हो कि भाई हाव नहीं हार्ड लगा रहे हो ये सबसे अच्छी बात है कि आप सभी ने हार्ड लगाया बेटा मैं ड्रीम नहीं बोल रही हूँ कुछ लोग कहते मैम ड्रीम हुआ तो बैड ड्रीम होगा बेटा ये नाउन का क्वेश्चन है बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड नहीं है इट है और कुछ लोग कहते हैं मैम देखा देखा मतलब सी का सेकेंड फॉर्म सौ लगाओ बेटा सो नहीं आएगा क्योंकि आंखें खोले हो तो देख रहे हो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो सपना आई हैड अ अट बैड ड्रीम जैसा कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है बेटा जितने लोग बैड ड्रीम लिख रहे हैं सब गलत लिख रहे हैं ध्यान रखना ठीक है अब आते हैं कि ठीक है एक्सपीरियंस करना के लिए हार्ड लगाया उसके बाद मेरे पास है उसके लिए हाँ लगाया, तो मेरे पास गाड़ी थी, थी। तो हाँ का हाँ कर दीजे। मुझे कई समस्याएं थी तो आई हैड मैनी प्रॉब्लम आ जाओ अब आगे चलते हैं आई a strange एक्सपीरियंस जरा एक चीज हम माफ करो जरा यहां पर आपको खुद महसूस होगा कि आई हैड अ ड्रीम इसका मतलब है आई ड्रेम्ट लेकिन बोलोगे माई आई ड्रेम्प्ट अ ड्रीम तो नहीं कहते कभी कहते हो रेन इज रेनिंग बोलोगे क्या बात कर रहे हो अगर वर्ब में लगा रहे हो तो नाउन में नहीं लगा सकते और अगर नाउन में लगा ही रहे हो तो वर्ब में मत लगाओ मैंने यहाँ ड्रीम लगा दिया तो यहाँ ड्रेम्ट हटा दूंगी खाली ऐसे भी कह दो आई ड्रेम्प्ट लास्ट नाइट आई ड्रेम्प्ट अबाउट यू लास्ट नाइट कल तुम्हारा सपना आया मुझे I dreamt about you last night. कह सकते हैं, right? अब सुनो, I had a strange experience last night. अब बोलोगे experience यहाँ पर भी तो experience लिख सकते थे। I experienced something strange last night. आराम से चलेगा। I experienced a strange experience. ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे had का meaning क्या निकल रहा है? Experienced. क्यों? क्योंकि भैया मुझे नाउन एक्सपीरियंस चाहिए यहां है ड्रेम्ड क्यों भाई मुझे नाउन चाहिए था ड्रीम कहोगे मैम नाइटमेयर लगाए हो अभी तो नाइटमेयर का मतलब ही बुरा सपना ही होता है ना बेटा तो आई ड्रेम नाइटमेयर नहीं बोल सकते समझ में आया यानी का इस्तेमाल मैंने कहा, कहा हो रहा है तो जहां पर उसका मीनिंग जो निकल रहा है सोच लो ना यार क्या मीनिंग निकल रहा है जैशन बताने के लिए हो रहा है आई हैव अ कार अब आओ आई हैव मेट बेटा मैंने आपको कहा था वर्व का थर्ड फॉर्म चाहिए यस yes, दीपक मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी बेटा अभी दो ही क्लास हुए हैं कल हुआ है और आज हुआ है मैं इसका अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगी वो टेंशन मत लो बस अगर क्लास पसंद आ रहा है तो बेटा आप मुझे मोटिवेटेड रखोगे तो अच्छा रहेगा उसका एक ही तरीका है आप इस सेशन को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस चलो <coughs> बहुत दिल है छोटा सा छोटी सी आशा बस थोड़े से मैं खुश हो जाती हूं थोड़ा सा आपका प्यार मिल जाए दैट्स इट आ जाओ देखो ध्यान से अगर मैं कहूं आई हैव मेट ये क्या है बेटा आपको वर्ब के फॉर्म्स रटा रही थी मैं है ना ध्यान से सुनना वी लगाना है ओके एक्टिव वॉइस है एक्टिव वॉइस कैसे पता भाई टेंस पढ़ोगे ना तो सब्जेक्ट से शुरू करोगे आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट क्या है अरे भाई करने वाला व्यक्ति सब्जेक्ट है मैं पढ़ा रही हूं ना सेंटेंस में सबसे आगे मैं बैठ गई हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं आई हैव या या हैड इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे आप कहोगे ये हेल्पिंग वर्ब आप तो मेन वर्ब के रूप में पढ़ा रहे थे अभी आई हैड अ कार ये तो मेन वर्ब है बेटा मैं कह रही हूँ कि ये तो प्राइमरी वर्व है तभी तो बार बार कह रही हूँ ये हैव हेल्पिंग वर्व के रूप में भी आ सकता है और हैव मेन वर्व के रूप में भी आ सकता है बेटा आप कह रहे हो नाइट वाला एग्जाम्पल एकसा, आप प्रेजेंट टेंस में दीजिए तो मैं ऐसे दे सकती हूँ आई ऑफन हैव नाइट अक्सर मुझे बुरा सपना आता है आई usually हैव अ ड्रीम अबाउट यू तुम्हारे बारे में अक्सर मुझे सपना आता है बाप रे सचिन चंबल की धरती से राम राम तुम तो मुझे डरा दोगे <laughs> चंबल चंबल बहुत फेमस है ना चल आ जाओ बेटा हार्ड हाँ हाँ, बेटा हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है हेल्पिंग वर्व के बाद मेन वर्व थर्ड फॉर्म में आता है खाना खा लिया आप लोगों ने रात का अगर आप मुझे कहोगे मैम आ जाओ खाना खा लो तो मैं कहूंगी मैं खाना खा चुकी हूं कब का अभी रात के दस बजे बताओ इसका इंग्लिश बताओ मैं खाना खा चुकी हूं जल्दी बताओ मैं खाना खा चुकी हूं चुकी हूं बेटा मैं खा चुकी हूं जल्दी 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 सोचो सोचो जल्दी बताओ जल्दी हाँ, हां अब बताती हूं मैं सुनो ध्यान से बेटा जब आप कहोगे ना मैं खाना खा चुका हूं बेटा इस एक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और एक्शन को जब भी इंपॉर्टेंस देते हैं यहां पे जितने लोग टेंस पढ़ चुके हैं पहले कहीं और अभी तो मैंने टेंस पढ़ाया भी नहीं है वो जानते हैं कि मैम जब एक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं ना तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं बेटा मैं प्रेजेंट टेंस अभी आपको पढ़ा नहीं रही अभी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको नहीं पढ़ा रही हूं मैं खाली इस एग्जाम्पल को आपको इसको दिखाना चाह रही हूं और मैं यह दिखाना चाह रही हूं कि देखो हैव कैसे हेल्पिंग मेन दोनों के रूप में आता है यहां मेरा एक आधी से स्टूडेंट है जो बैठा हुआ है बाकी सारे लोग हैं जो यूट्यूब में कहीं ना कहीं से पढ़ के आए सुनो बेटा खा चुकी हूं आई और खाने के लिए बेटा सबसे अच्छा वर्ब खाने के लिए है खाना खाने के लिए सबसे अच्छा वर्ब है हैव आप लोग जो ईटन बोल रहे हो ना उससे बेहतर वर्ड बता रही हूं है। अब हैव का मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए थर्ड फॉर्म चाहिए और हैव का थर्ड फॉर्म हैड है डिनर और अगर आप कहना चाहते हो कि ऑलरेडी खा चुकी हूं तो आई हैव ऑलरेडी हैड डिनर देखो, आई हैव ऑलरेडी ये एग्जाम के क्वेश्चन है। खाने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है have. ठीक है फिर से बेटा इसी को मैं बताना चाहूंगा अगर, अगर मैं ये कहूं कि मैं ऑलरेडी लंच खा चुकी हूं आई हैव ऑलरेडी हैड लंच मैं आपके क्लास लेने से पहले ही खा चुकी थी आई हैड हैड डिनर बिफोर आई केम हियर यानी पहला बेटा हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है यानी यहीं पर पता चल गया कि भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है प्राइमरी वर्ब्स देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में आते हैं प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बेटा दोनों के रूप में आते हैं इसीलिए याद रखना कि अगर मैं आपको कहूं कि भाई has, have, के बाद थर्ड फॉर्म आता है और मुझे यहां पर खाने के सेंस में वर्ड चाहिए तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको कोलोकेशन पढ़ाऊंगी बेटा कोलोकेशन कहता है कि खाने के लिए आपके पास तीन वर्ड हो गया ईट टेक है have. और हैव का थर्ड फॉर्म हो गया हैड तो मैंने क्या कहा आई हैव डिनर लड़का कोई होता तो ही देखो शनि शनि बिल्कुल नहीं गलत बिल्कुल गलत सुमन गलत हो गया कोई बात नहीं अब आपको समझ में आ रहा है चलो मैं आपको एक छोटा सा और सवाल देती हूं एक छोटा सा और सवाल देती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ आपको v1 लगाना है मैं रात को 10 बजे डिनर खाती हूँ मैं रात को 10 बजे डिनर लेती हूँ और आपको टेंस नहीं पढ़ाया मैं बता दे रही हूं v1 लगाना है बताओ कैसे बनाओगे <coughs> सुधीर वेरी गुड क्लास नोट्स के साथ बेटा स्पेशल बैच लेते हैं स्पेशल इंग्लिश का जल्दी बताओ जल्दी मैं रात को दस बजे रोज डिनर खाती हूँ बेटा रोज की बात कर रही हूँ और मैं बता दे रही हूँ आपको वी वन ही लगेगा खाली वी वन खाली वी वन लगेगा क्या रात को दस बजे डिनर खाती हूँ बेटा रोज की बात कर रही हूँ मैं आई हैव डिनर एट 10 पीएम चलो अब फिर आपसे पूछूंगी एक और आपको तीन एग्जाम्पल दूंगी मैं ये सेकेंड और टेक तीनों में से कौन सा है जो बेस्ट है वन टू थ्री में कौन सा यूज करोगे आप बोलो यस yes. देखो कितना बढ़िया यहाँ पे सब लोग जवाब दे रहे हैं आई हैव डिनर और सामने जो बैठा हुआ कहता आई टेक डिनर हद है फर्जी लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं कुछ लोग आई हैव डिनर यस वेरी गुड देखो मेरे सारे बच्चे आई हैव डिनर बेटा टेक और ईट बेस्ट ऑप्शन नहीं है खाने के लिए हैव है बेस्ट ऑप्शन यानी मैंने कहा कि मैंने अभी अभी डिनर किया है आई हैव हैड डिनर जस्ट नाउ दोपहर में कोई कहेगा भाई खाना खा लो आके कहोगे अभी अभी लंच किया है आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ बेटा कई बार पास्ट परफेक्ट में भी होता है तुम्हारे आने से पहले मैं लंच कर चुकी थी चुकी थी टेंस हैड प्लस वी थ्री हेल्पिंग verb प्लस वी थ्री बेटा ये टेंस में मैं फिर से रिपीट करूंगी लेकिन अब आप देखो मैं क्या बताना चाह रही हूं आपको पूरा कंप्लीट कि बेटा हैव का ये सारे फॉर्म्स है आता है आई वी दे यू और बहुवचन के साथ हैस आता है सभी सिंगुलर के साथ मैंने कहा सपना देखने के केस में भी लगेगा इसका सेकेंड फॉर्म हैड हो गया एक्सपीरियंस करने के भी केस में हाव लगेगा मैं एक्सपीरियंस कर चुकी लास्ट नाइट तो मैंने हार्ड लगा दिया फिर मैंने कहा कि बेटा हाव तो हेल्पिंग वर्ब भी है तभी तो प्राइमरी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आएगा तो मैंने कहा चलो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो फिर तो कहोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो खाने का वर्ब क्या होता है हाव हाफ का थर्ड फॉर्म हार्ड मैंने हाफ के बाद हार्ड लगा दिया यानी अगर एक वाक्य में हार्ड के बाद हार्ड हाफ के बाद हार्ड हास के बाद हार्ड आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा तो पीने के लिए ड्रिंक वर्ड आता है बेटा मैं खाने के लिए बात कर रही हूं ठीक है <coughs> समझ में आ गया ना बेटा मैं फोर मैंने नहीं समझाया अब आओ क्वेश्चन जो आता है एक तो कोलोकेशन से आता है खाने के सेंस में बेटा ध्यान से दिमाग में फिट कर लो खाने के लिए ईट नहीं सिर्फ हैव हाँ वर्ब लगाओगे जो ज्यादा इस्तेमाल होता है दूसरा एग्जाम्पल जहां से क्वेश्चन आता है हाँ में बेटा वो ये है मैं खाना खा रही हूं बेटा खाते हुए आपको दिख रहा है हम मजे कर रहे हैं मजे करते हुए दिख रहा है आई एम हैविंग फन यस आई एम हैविंग लंच ओके आई एम हैविंग डिनर भाई खाते हुए मैं देख सकती हूँ लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास एक गाड़ी है आई एम हैविंग अ कार तो कहोगे मैम हैविंग अ कार का ये फीलिंग आ रहा है कि मैं गाड़ी खा रही हूं नहीं ना बेटा क्वेश्चन यहीं से आता है क्वेश्चन आया है जानते हो कौन सा ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है और बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है माधुरी दीक्षित इज हैविंग लार्ज फैन फॉलोइंग एग्जाम का क्वेश्चन था भाई माधुरी दीक्षित खा थोड़ी रही है उसके पास है माधुरी दीक्षित देखो चलो एक दो क्वेश्चन और सुनो ध्यान से जो एग्जाम के क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन लिखो शी इज हैविंग थ्री चिल्ड्रेन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा my mother is हैविंग ग्रे हेयर ये तरह के क्वेश्चन आते हैं बताओ क्या होगा जल्दी जल्दी <coughs> बताना बेटा यहां पर सिर्फ आप पढ़ाई करोगे सिर्फ पढ़ाई एकदम बकवास नहीं चंपा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो बीस पैसे वाले यहाँ नहीं आओगे अब कोई भी कमेंट अगर अननेसेसरी होगा उसको मैं बीस पैसे वाला कहूंगी जल्दी बताओ यस वेरी गुड बहुत अच्छा शी बेटा उसके तीन बच्चे हैं वो तीन बच्चों को खा नहीं रही है समझे तो शी के साथ हैस आता है ना शी हैस थ्री चिल्ड्रेन मेरी माँ के सफेद बाल है माई मदर इज हैविंग गलत हो गया माई मदर हैज ग्रेट ग्रे हेयर माई मदर हैज देखो ठीक <coughs> है अब जो भी बकवास करेगा यहां पे, उसको बीस पैसे वाला कमेंट क्योंकि मुझे पता चल गया मेरे पास पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है कैसे कैसे कमेंट करवाए जाते हैं समझ में हुआ समझ में आ गया यस yes, देखो क्लियर अब आओ बेटा ये पूरा बुक बायिंग है ये तो मैंने सिर्फ उतना ही उठा के लाई हूं जितना मुझे पढ़ाना था अब मेरी बात सुनो बेटा यहां पे एक है आप चाहो तो इसको आप छोड़ सकते हो लेकिन अगर चाहो तो कर भी सकते हो ये वाला एग्जाम्पल <coughs> मैं बता दू क्या है हार्ड के बाद वी थ्री हाफ के बाद वी थ्री के बाद वी थ्री लेकिन बेटा बीच में रादर घुस आया है ध्यान रखना और ये इडियोमैटिक मॉडल्स में आता ये है ये मॉडल्स का पार्ट है दिख जाए ना तो v3 मत लगाना वर्व का बेस फॉर्म लगाना क्यों बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग सजेशन देता है अगर मैं कहूं भाई कोविड मैं बाहर नहीं जाऊंगी मैं तो घर पे रहूंगी तो मैं कहूंगी आई हैड बेटर स्टे stay, स्टेड नहीं स्टे एट होम अगर तुम्हें मैं देख रही हूं कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे तो जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन दूंगी यू हैड रादर यू हैड सुनर सी अ डॉक्टर बेटा हैव नहीं सिर्फ हैड और यह स्ट्रॉन्ग सजेशन देने वाला बेटा एक मॉडल है इसको ईडियोमैटिक मॉडल कहते हैं हालांकि मॉडल का पार्ट है मॉडल में देखना है. लेकिन हाव के बाद v3 थ्री हास के बाद v3 थ्री हार्ड के बाद v3 बीच में रादर सूनर घुस गया तो वर्व का फॉर्म डेट इट ठीक है समझ में आया क्लियर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन ही है जो मैं आपको पढ़ा रही अब ये हमने खत्म किया है क्या है हाँ। फिर से बता दू है हाँ क्या है बेटा हाव पोजेशन बताता है Have, खाने का सेंस में भी यूज होता है खाने के लिए बेस्ट वर्ड क्या है हैव हाँ। अब पजेशन के मामले में आई एन जी नहीं आएगा बेटा यही चीज मैं बार बार कह रही हूं यानी मेरे पास अधिकार है आई एन जी फॉर्म उस सेंस में नहीं आएगा खाने के सेंस में एंजॉय करने के सेंस में हैव हाँ में आई एन जी आराम से लगाओगे बस यही मैं बताना चाहती थी हैव हाँ में तो हमने बी डू और हाँ का कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीटली क्लियर कर लिया है अब हम सेकेंड फॉर्म पोर्शन में जाएंगे इसके और वो है कंफ्यूजिंग मेन वर्ब। मैं आपको एक छोटा सा बात बताती हूं अभी मैंने कहा था रट्टा मार लो सारे वर्ब्स जब मैं छोटी थी ना तो मुझे पता था कि भाई हैंग का सेकेंड फॉर्म हैंग्ड हैंग्ड है फिर लगता था कोई अगर थोड़ा सा पूछ ले हंग भी तो है तो हाँ हंग भी तो देखा था कहीं पर तो डिफरेंस क्या भाई तो हैंग हंग हंग और हैंग हैंंगड हैंग सेम ही तो होता है शायद मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं और ये एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ करीबन एट्थ या नाइन्थ का क्योंकि हमने दोनों फॉर्म देख रखे थे लेकिन दोनों को एक साथ तो कहीं पढ़ाया ही नहीं गया था है ना तो यही प्रॉब्लम था क्योंकि हंग तो हैंग हंग हंग बेटा ये कहाँ आएगा ये आएगा इन रेगुलर में और ईडी ईडी वाला कहां आता है रेगुलर वर्ब में तो रेगुलर वर्ब में हैंग hang, hang, पड़ा था और इधर पड़ा था हैंग और दोनों मिला के गोल हो गए याद रखना यहीं से आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आप कंफ्यूज करते हो मिसयूज करते हो सबसे पहला एडॉप्ट अपनाना गोद लेना एडॉप्ट का मतलब अपनाना गोद लेना कोई चीज अपने प्रैक्टिस में लाना जैसे कहते हैं ना अच्छी आदतें डालो एडॉप्ट गुड हैबिट्स कहते हैं मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल एक्स, के साथ समझा रही हूं अभी इससे रिलेटेड मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगी एडैप्ट ढालना मेरे साथ रटना शुरू करो एडेप्ट ढालना एडॉप्ट अपनाना एडॉप्ट गोद लेना एडेप्ट देखो ई वाला है एडेप्ट बेटा ये एज्जेक्टिव है इसका मतलब हो गया निपुण प्रोफिशियंट वेटरन ये सारा सिनॉलिम्स है जो वो में कराती हूं लेकिन समझ में आ गया एडोप्ट अपनाना गोद लेना है ना एडेप्ट ढालना और एडेप्ट एकदम निपुण दक्ष जिसको कहोगे राइट आ नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने कराया और फिर यहाँ पे मैं आपको पूरा लिस्ट देते जा रही हूँ और ये लिस्ट बेटा अगेन मैं कहूँ कि इसका चार गुना ज़्यादा इस बुक में है लेकिन मैंने वही निकाले हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ताकि आपको मैंने क्या कहा भाई मुझे सात महीने का कोर्स तीन महीने रोज रात में एक दस से ग्यारह टाइम उसमें आके कराऊंगी राइट right? तो आ फॉर्म्स नहीं बेड 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 है बेटा अगर बेड 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 है तो इसका मतलब है बोली लगाना जैसे नीलामी में लगाते हैं ना ठीक है बेड बेड बिडेन बेड बेड बिडेन आदेश देना भी होता है और अभिवादन करना भी होता है बेटा आप जब मॉर्निंग में अभिवादन करते हो ना तो विश करते हो ही विस्ट मी गुड मॉर्निंग ही विस्ट मी गुड आफ्टरनून ही विस्ट मी गुड इवनिंग ही मी गुड डे लेकिन आखिरी की बात करोगे तो बेड होता है गुड नाइट गुड बाय फेयरवेल वो बेड होता है ठीक है बेटा ऑथेंटिक बेटा हम लोग ने 2035 तक टॉपर दे दिया किसी को अब हम मैं उन्हीं को पढ़ा रही हूँ जो बस खाली क्वालिफाई कर जाए एक इंस्पेक्टर की नौकरी लेके मुझे पास एक मिठाई का डब्बा लेके आ जाए बस मैं तो उन्हीं को पढ़ा रही हूँ क्योंकि भाई अपने बस की बात नहीं है है ना अपने बस की बात उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ से कर पाऊँगी यार है ना आप बस हमें एक मिठाई का डब्बा लेके आ जाना ठीक है मान लिए ट्वेंटी थर्टी फाइव तक हम नहीं है थर्टी थर्टी फाइव तक दे दो यार पढ़ाई करो छोड़ो नहीं <coughs> आज़ा जाग हंग हंग टांगना लटकाना लेकिन अगर आप कहोगे फांसी पे चढ़ाना तो हैंग हैंंगड हैंग ठीक है देख लो लाई का तो बुढ़ कचड़ा बनाकर रखा हुआ है देखो ना लाई लाइड लाइड झूठ बोलना लाई ले लेन लेटना ले लेड लेड बेटा कोई चीज रखना हॉरिजॉन्टली रखना ऐसे रख देना उसको होता है ले देखो देना के लिए भी एग्स पता है ना अंडा देती है यानी अंडा देने की क्रिया है ना बिहार की तरफ एक वर्ड आता है पारना अंडा पारना <laughs> तो वही वर्ड है रखना टू कीप हॉरिजॉन्टली और यू छावर करना ले देखो यस बेटा कॉल कट करना भी हैंग होता है है ना लेकिन वहां पर भी हंग हो जाता है ना चलो अब आओ एज रेकनिंग इश्यू बेटा मैं इस पर जरूर आवाज उठाऊंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरा ऑथेंटिक सोर्स बता दू अब मैं क्या बताऊं यार मुझे लगता है आप लोग खुद ही खोज निकालोगे इन फैक्ट एज जो है ना डीओपीटी का ही एक नोटिफिकेशन है जिसमें अगर शुरू में आता है तो एक जनवरी से लिया जाएगा और अगर सेकेंड भाग में आता है तो एक अगस्त लिया जाएगा इसमें तो शुरू में आया है तो इनको एक जान लेना चाहिए था तो आप यह चीज एक बार खोज कर निकालो किसी ना किसी जगह पे आपको डीओपीटी में नोटिफिकेशन मिल जाएगा चलिए फॉल फेल फॉल इन गिरना फेल फेल्ड फेल्ड गिराना ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड पीसना मसाला पीसते हैं ना वो ग्राउंड ग्राउंडेड ग्राउंडेड बेटा ग्राउंड का मतलब क्या होता है जमीन राइट तो जमीन पे उतारना हो गया उड़ने नहीं देना जैसे देखते हो जहाज वगैरह को ग्राउंड कर दिया जाता है जब अगर कोई ऐसा कॉल आ जाता है कि जहाज में बम है तो क्या होता है सारे जहाजों को नीचे उतार दिया जाता है और जो नीचे रहते हैं उनको उड़ने नहीं दिया जाता है तो ग्राउंड ही तो कर दिया जाता है शेखर सुमन थैंक यू सो मच बेटा थर्टी बैच नंबर थर्टी लोगे बेटा तो आपको वीओडी बहुत बढ़िया वाला मिल जाएगा चलो राइस रोज राइज उगना उठना तरक्की करना उठाना चाहे कोई मुद्दा हो या कोई बात हो उसको उठाना और ध्वस्त करना रेज रेज रेस्ट देख रहे हो अगर मैं ये कहूं कि भाई एक काम करते हैं कि पहले हम यहां तक इस नाइन तक देख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस है पहले वो एग्जांपल्स के साथ देख ले फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है पहले यहां तक कर लो फ्लाई फ्लू फ्लोन उड़ना फ्लो फ्लोड फ्लोड बहना लिक्विड का बहना बेटा पानी वगैरह का बहना फ्लो और हवा का बहना ब्लो होता है ठीक है फाइंड फाउंड फाउंड पाना फाउंड फाउंडेड फाउंडेड नींव रखना बेटा कम से कम केरी लाइव वालों को बोलो कि सबका जवाब तो दे दे, मैं इतनी तेजी से जवाब नहीं दे पा रही हूँ और मैं पढ़ा रही हूं सबको जवाब दे दे बैर बेटा बियर मत बोलना बियर का मतलब खाली कुछ शराब के साथ जैसे बियर होता है ना बी डबल वही होता है भालू का इंग्लिश भी बैर होता है बर्दाश्त करना भी बेर और और पैदा करना भी बेर होता है ठीक है बेटा पीडीएफ के लिए मैंने अलग से एक चैनल बनाया है और वो है गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह कल का पीडीएफ वहां डाल चुकी हूं गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह कल का पीडीएफ वहां मैं डाल चुकी हूं आज का पीडीएफ मैं डाल दूंगी थोड़ी देर में ठीक है ये टेलीग्राम में चैनल बनाया है चलिए देखिए ध्यान से बैर बोर बॉन बेटा देखो एन के बाद कुछ नहीं है ये पैदा करना और एन के बाद ई e है बेटा बर्दाश्त करना या कैरी करना दोनों हो सकता है ठीक है अब आ जाओ दस नंबर बस एक और देख लो अच्छा ये दूसरा है यहां तक हमने फॉर्म्स देखा कि जिसके फॉर्म्स में हम कंफ्यूज करते हैं और इसको मिस यूज कर जाते हैं चलिए पहले हम इसके बदले में अभी थोड़ा सा पहले देख ले कि क्या जो हमने पढ़ा है कोई काम की चीज पढ़ी है या हमें समझ में भी आ रहा है ये क्या है एक मिनट रुकना बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है जरा देखते हैं कि जितना मैंने आपको सिखाया आपके पास कल का तो पढ़ा हुआ है है, है, ना, जो कल का पढ़ा है, खोलो, तक मैंने पढ़ाया है, उसको उठाओ और जरा कि क्या हम समझ सकते हैं कि हमें कौन सा वर्ड चाहिए यहां पे? देखो तो बताओ बेटा सब का आंसर पीछे दिया है मैं आपके साथ बनाना चाहती हूं नोट्स पढ़ाया गया है, बेटा आ, ये नोट्स पढ़ाया गया क्लास नोट्स क्लास नोट्स जो है ना वो पढ़ाया गया है थर्टी में बेटा वो पूरा पढ़ाया गया पूरा ये बुक पढ़ाया है। अभी तो मैं इसका शॉर्ट पढ़ा रही हूं चलिए जल्दी स्पोकन वाला बेटा स्पोकन का बुक खरीद लो ना सबका क्या मैं देती रहूं पीडीएफ चलो एक्सपर्ट ही इज एक्सपर्ट अभी जो मैंने आपको दिया बस उन्हीं में से चाहिए मुझे यस yes, आ गया ही अभी क्या कहा था निपुण की बात की थी मैंने बेटा मैं फोटोग्राफी में निपुण है फोटोग्राफी भी एक आर्ट है फोटोग्राफी मत बोलना इट्स फोटोग्राफी ठीक है मेरे साथ पढ़ोगे तो इंग्लिश में एक्सेंट भी सही हो जाएगा आपका क्योंकि मैं आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही कर दूंगी ही इज Adept in photography. Second, now he has <coughs> dashed the highest price. He has dashed the highest price. सबसे ऊँची बोली उसने लगाई है। बेटा verb याद करो। Bid, बोली लगाना। तीनों form। Bid, bid, bid। बोली लगाना के लिए तीनों form same था। Bid, bid बेड सबसे गधा बच्चा जो हो सकता है उसको मैंने सामने बिठाया है ताकि अगर यह समझ गया तो मेरा यूट्यूब का सारा बच्चा समझ जाएगा सबसे गधा बच्चा मुलाकात करनी है आपको यहां पर बच्चों से नहीं करनी तो बैठो शांति से हाँ यस ही हैज डैश गुड बाई टू ऑल बताओ इसका क्या होगा गुड बाई गुड नाइट फेयरवेल हैज के बाद का स के बाद वर्फ का कौन सा फॉर्म आता है थर्ड फॉर्म आता है ना और गुड नाइट गुड बाई बच्चे भी हंस रहे बताओ गुड नाइट और गुड बाई हम क्या करते हैं बेड बेड बिडेन बेटा मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए हैस के बाद आपको पता ही है थर्ड फॉर्म चाहिए तो बिड का थर्ड फॉर्म बिडन और याद रखना बेटा गुड बाय आखरी विश होता है जो आखिरी अभिवादन होता है उसके लिए हम बेड का फॉर्म यूज करते हैं बेड बेड बिडन बेटा थर्ड फॉर्म चाहिए उसने मुझे कहा बाहर निकलो आदेश देना बताओ आदेश देना के लिए उसने मुझे कहा कहा मतलब कह दिया खत्म मामला मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए बताओ क्या लिखे का सेकंड फॉर्म चाहिए और आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दोगे वरना मुझे क्या पता आप किसका आंसर दे रहे हो ठीक है क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दोगे और आप लोग से एक सिर्फ गुंजाइश है मेरी कि बेटा इसको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप मुझे जितना मोटिवेट करोगे मैं आपको प्रॉमिस करती हूं इस बार सीजीएल पार और इंग्लिश बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पता नहीं जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसी के लोग आपस में क्यों भिड़े हुए इंग्लिश <laughs> वाले कोई नहीं लड़ते सब पढ़ा रहे चुपचाप से यस ही मी मैंने कहा था आदेश देने के लिए बिड का सेकेंड फॉर्म बेड नहीं आदेश देना बिड का सेकेंड फॉर्म बेड अब आ जाओ उसने पिक्चर को क्या किया होगा सोचो खुद पिक्चर क्या करेगा कोई भाई लटकाएगा ना बोलो क्या होगा पिक्चर ही डैश द पिक्चर पिक्चर को फांसी पे चढ़ा दोगे बेटा मैंने सबसे मूर्ख बालक सामने बिठाया है ताकि अगर ये बोल दिया इसका मतलब है मेरी तपस्या सफल हो गई बोलो क्या होगा और रटी कैसे नहीं रटो भी साथ में बैठ के बेटा लटकाना पिक्चर लटकाया लटकाना फांसी पे नहीं चढ़ाया है हंग, हंग हंग होता है टांगना देखो सब सही कर रहे हैं हैंग हंग हंग टांगने के लिए बेटा थर्ड फॉर्म हंग है और सद्दाम हुसैन को उन लोगों ने क्या किया था अगर अमेरिका की सरकार की बात करोगे तो बेसिकली कहा गया कि इराक के जुडिशियरी ने ना भैया अमेरिका की सरकार ने किया था उन लोगों ने उसे फांसी पे चढ़ा दिया एक छोटा सा ट्रायल हुआ बेटा ट्रायल ये कोर्ट में ट्रायल हुआ छोटे से ट्रायल के बाद उन लोगों ने सद्दाम हुसैन को फांसी पे चढ़ा दिया और ये चढ़ा दिया खत्म मामला है तो का वर्केंड फॉर्म <coughs> ठीक है अबाउट हिज पास्ट बेटा लड़कियों को बोल दू ये जो आपके वो जो चोचलेबाजी चलती है ना कि मैं सच्चा प्यार करता हूं तुम ही मेरा पहला प्यार हो बेटा वो झूठा मक्कार है वो अपने पास्ट के बारे में आपसे झूठ बोला आप बताओ मुझे चाहिए सेकंड फॉर्म उसने अपने पास्ट के बारे में आपसे झूठ बोला फॉर्म पर मुझसे मत करना मैम झूठ बोलता भी तो हो सकता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैंने आपको दे दिया वर्फ का सेकंड फॉर्म चाहिए मुझे उसने अपने पास्ट के बारे में आपसे झूठ बोला कैसे कहोगे हुँ? हाँ बेटा लड़कियों को समझाती हूं मैं कि तुम उसके सोलर सिस्टम के कम से कम चौथी प्लैनेट होगी इसीलिए ये मत सोचना मैं ही पहला प्यार हूं उसने झूठ बोला वेरी गुड वेरी गुड ही लाइड झूठ बोलना लाइ लाइड लाइड भगत सिंह ने प्राण न्योछावर कर दिए देश के लिए भगत सिंह डैश हिस्स लाइफ बेटा खत्म है पास्ट की बात है वर्व का सेकंड फॉर्म वो शहीद हो गए अब बताओ क्या लगाओगे न्यूछावर करने का इंग्लिश बताओ और उसका सेकंड फॉर्म लगाओ जल्दी से सेकंड फॉर्म न्यूछावर करने का हा बताओ यस yes, सही कह रही हूं मैं लड़कियों को समझाती हूं लड़के तो ऐसे चंट चालाक हैं हाँ बस झूठ मुंड का लड़कियों को तुम लोग बदनाम करते हो दस रुपए के नोट में सोनम गुप्ता बेवफा है पूरा पूरी इंडिया में जितनी सोनम गुप्ता होगी ना सब शर्म के बारे अपना नाम नहीं बता पाती होगी लेड यस भगत सिंह लेड बेटा ले लेड लेड, लेड न्यूछावर करने का फॉर्म बताया मैं उतना ही वर्फ के फॉर्म सबको दे रही हूं जिससे क्वेश्चन रिपीटेड है वरना अगर खोल लोगे ना आप क्लास नोट्स तो पगला जाओगे इतना दिया है मैंने नेक्स्ट आओ योर बुक्स अच्छा छोड़ो भी पहले मुझे बताओ एट में कितना आया आपको आठ में कितना आया <coughs> जल्दी आउट ऑफ एट कितना किया आप लोगों ने अपने नंबर्स बताइए जल्दी से फटाफट hmm? जल्दी से कितना लाया हाँ वेरी गुड सेवेंथ बहुत अच्छा है एट और सेवन वाले तो माशाल्लाह है ना एकदम सिक्स सेवन एट ठीक है बेटा ठीक है बेटा सेवन एट सिक्स यहां तक चलेगा बाकी अगर वर्व के फॉर्म्स गलत कर दिए तो कोई बात नहीं क्योंकि मैंने टेंस नहीं पढ़ाया है लेकिन वर्व चुनने का तरीका तो आना चाहिए ना आपको हाँ? और मैं बता रही हूं कि भाई हमको सेकेंड फॉर्म चाहिए मैं बता रही हूं मुझे सेकेंड फॉर्म चाहिए ठीक है हैस के बाद थर्ड फॉर्म आता है बार बार बता रही हूं हैस के बाद थर्ड फॉर्म मैंने यहां कहा था कि उसने मुझे आदेश दिया निकलो मैंने सेकेंड फॉर्म पहले लगा दिया था हाँस के बाद थर्ड फॉर्म यहां पर भी मैंने सेकेंड फॉर्म डिमांड कर लिया था आपसे देखो नेक्स्ट जरा देख ले नाइन्थ नंबर भी हो जाएगा और टेन नंबर भी हो जाएगा इलेवेंथ ट्वेल्व भी अभी हम पढ़ा चुके हैं थर्टीन भी पढ़ा चुकी मैं फोर्टीन भी पढ़ा चुकी फिफ्टीन भी पढ़ा चुकी सिक्सटीन सेवनटीन तक यस yes. मैं मुझे जहां तक वर्ब्स पढ़ा चुकी हूं मैं वहीं से क्वेश्चन पूछ रही हूं नाइन्थ नंबर आओ योर बुक्स एस साइड एंड डैश डाउन टू रेस्ट घर जाते हो मम्मी क्या कहती है बेटा मेरा बहुत थक गया है किताबें किनारे कर दो रख दो और लेट जाओ क्या बोलती है किताबे किनारे रख दो और लेट जाओ वेरी गुड किसी ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया दो एकदम सटीक जवाब उसने लिख दिया बेटा जो मैंने दिया है बस उसी में से मुझे चाहिए किताबे किनारे रख दो रखने का इंग्लिश अभी बताया था अंडा देना रखना ले योर बुक्स असाइड और लेट जाओ लेटने का इंग्लिश डाउन बेटा जब किसी को कहते हो ना कुछ करने तो वर्व का बेस फॉर्म ही यूज करते हैं खुश रहो बी हैप्पी देखो वर्व का बेस फॉर्म है है ना हे डैश डाउन एंड स्प्रेन्ड बेटा स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना मोच आना और एंकल का मतलब होता है आपका जो टखना है ना है ना एड़ी के ऊपर जो टखना होता है वो होता है तभी तो पायल को एंकलेट कहते हैं जानते क्योंकि वो एंकल में पहनते हैं वो डैश और अपने टखने में मोच लगा बैठा क्या होगा वो गिर गया दीक्षा वेरी गुड ही फेल डाउन वो गिर गया और उसके टखने में मोच आ गया देखो गिरने पे मोच आएगा अब आप कहोगे मैम कौन सा फॉर्म लगाए हो बेटा यहां पर जब मैं कह रही हूं मोच आ गया तो यहां पे गिर चुका ना राइट right? समझ में आ रहा है क्लियर नेक्स्ट आओ स्मॉल स्ट्रोक्स, बेटा ये कहावत है कि आप छोटे छोटे प्रहार करोगे भी ना तो बड़े बड़े ओख के जो सहतूत के ट्री होते हैं वो भी गिर जाते हैं इसका मतलब निरंतर थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो काम करते रहो बड़े बड़े काम हो जाते हैं है ना अब आप एक रात में सोचोगे मैं पास कर गया तो नहीं होता मेरा बेटा एक महीना में ही एग्जाम दिया पढ़ के और उसके टीचर तबाह हो गए उसको पढ़ाने में उसका ट्यूटर और वो इतना बेशरम लड़का अपने ट्यूटर को कह रहा है कि सब लोग साल भर पढ़ा पढ़ा वो भी पास किया हम एक महीना पढ़ा मैंने एक महीना पढ़ाई की और मैं भी पास कर गया बताओ तो वही चीज़ है उन पर यही चीज़ लागू होता है कि ना भाई स्मॉल स्ट्रोक्स फेल बेटा आप कहोगे मैम ये है क्या बेटा ये यूनिवर्सल ट्रूथ के श्रेणी में आएगा और हमको इसमें वर्व का फर्स्ट फॉर्म चाहिए लेकिन यहां गिरने नहीं गिराने के सेंस में बेटा गिराना फेल, फेल्ड, फेल्ड। अब आप कहोगे यहाँ पर भी फेल, है। यहां पर फेल वन है क्यों बेटा यहाँ पे गिरने के सेंस में ये फॉल का सेकेंड फॉर्म था और ये गिराने के सेकेंड फॉर्म नहीं है फर्स्ट फॉर्म है इसका सेकेंड फॉर्म में फेल्ड लगाते अगर लगाना होता तो जो मुझे नहीं चाहिए यानी स्मॉल स्ट्रोक घिरा देता है बड़े बड़े ओक के ट्री को भी देखो समझ में आया नेक्स्ट अगर मैं कहूं ब्लैंकेट भाई अलमारी में पड़ी हुई है कैसे बोलोगे हाँ ब्लैंकेट अलमारी में पड़ी हुई है कैसे बोलोगे बटा क्लास नोट्स मेरी कलर्ड है क्या बात करते हो आजकल कर सारी किताबें कलर्ड आ रही है वो क्या आपकी बुक कलर्ड है, है, तो है, है वो क्या आपकी भी बुक कलर्ड है बटा क्या होगा मैं देखना चाहती हूँ आपको क्या लिखते हो ना ये क्वेश्चन तो, तो एक टीचर को भी मैंने देखा था गलत करते हुए अदिति वेरी गुड अदिति वेरी गुड पड़ी हुई है पड़ी हुई है मतलब मैं कहूंगी वो वहां लेटा हुआ है इट इज लाइंग देर है ना रजाई वहां पड़ी हुई है क्विल्ट इज लाइंग झूठ बोलने का भी एल वाई आई एन जी होता है पड़ा होने का भी एल वाई आई एन जी होता है देखो ठीक है He dashed the spices and sold एंड बेटा सोल्ड मतलब सेकेंड फॉर्म तो यहां भी मुझे सेकेंड फॉर्म चाहिए He dashed the spices and sold them. अब बताओ स्पाइसेस मतलब क्या होता है Spices मतलब होता है मसाले बेटा आज रात का आपके पास पूरा समय है रट्टा मारो वर्फ के forms ये वाले जो कंफ्यूजिंग वाले हैं और आगे के जो वर्ब के फॉर्म्स है ना वो अपना दो तीन दिन में अच्छे से याद कर लेना ठीक है बताओ क्या होगा जल्दी स्पाइसिस एंड सोल्ड बोलो यस yes, पीसना का इंग्लिश होता है ग्राइंड और बेटा ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म मुझे चाहिए क्योंकि उसने मसाले पीसे और उसको बाजार में बेच दिया दे हैव डैश ऑल द फ्लाइट्स बेटा हैव के बाद मुझे थर्ड का फॉर्म आता है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल जानती हूँ मैं ड्यू टू हॉक्स कॉल हॉक्स कॉल होता है जो ऐसे झूठा कॉल नहीं आता है कि फ्लाइट में बॉम है उसके बाद वो बताता नहीं किस फ्लाइट में बॉम है और सारे फ्लाइट को तरवा देता है तो बताओ उन लोगों ने क्या किया होगा सारे फ्लाइट्स को अगर ऐसा कॉल आया होगा तो बताओ दे बाद बेटा थर्ड फॉर्म चाहिए बेटा एम के लिए परफेक्ट है ये बैच मैं इसमें बहुत कंसाइज करके पढ़ा रही हूं आप तो टेंशन ही मत लो इस बारे में यस दे हैव ग्राउंडेड बेटा इसका फर्स्ट फॉर्म था ग्राउंड थर्ड फॉर्म है ग्राउंडेड यानी जमीन पर उतारना या जमीन के लिए इंग्लिश है ग्राउंड ground. और ग्राउंडेड होता है जमीन पर उतारना अब मैं यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछूंगी बेटा आपका ये रूम है ये आपका रूम है ये जो नीचे है पलंग के जिस पर पलंग रखा हुआ है जिस पर आप चलते हो इसको क्या कहते हो जरा बताओगे मुझे इसको क्या कहेंगे जो नीचे वाला भाग है ये नीचे वाला भाग है इसको क्या कहेंगे बताओगे यस yes, सुरेश वेरी गुड बेटा वेरी गुड इसको हम फर्श कहते हैं इसको कहेंगे फ्लोर घर के बाहर जो होता है वो ग्राउंड होता है बेटा इस पर नाउन का क्वेश्चन आया हुआ है व्हेन आई एंटर्ड माय बेडरूम जब मैं अपने बेडरूम में एंटर किया आई सॉ अ स्नैक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड बेडरूम के अंदर ग्राउंड कहाँ से आएगा बेडरूम के अंदर तो फ्लोर आएगा ना Yes, aja has, <coughs> has ka matlab, verb ka third form. The sun has already rise, rose, risen. Third form, risen. Dehko. The sun has already risen. I dash up late today. I rose up. I got up. I wake up, wake, wake, woke, I woke up। का second form चाहिए मुझे तो फिर wake का second form। क्योंकि आज मैं late से उठी अभी मैं सिर्फ rise दिया था मैंने तो मैं लगा दूँ rise का second form rose, है ना I rose up late today, I got up late today। आज देर से उठी भगवान करे तुम जिंदगी में बहुत ऊपर उठो May you rise। बेटा मैं बताया था आपको हर मॉडल के साथ का, का बेस फॉर्म आता है इसीलिए वर्ब का बेस फॉर्म आया मे यू राइज इन योर लाइफ डैश योर हैंड इफ यू एग्री टू माई प्रपोजल मेरे प्रपोजल से अगर आप सहमत हो तो हाथ ऊपर उठाइए उठाना के इंग्लिश होता है रेज रेज योर हैंड बेटा ये सारे वर्ब्स को आप समझ रहे हो मैं सेंटेंसेस में दे रही हूं यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए और सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग मेरे साथ समझो आप और धीरे धीरे जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बेटा उतना बढ़िया होगा ठीक है क्लियर देखो सबका एग्जाम्पल सबका मैंने आंसर नीचे दिया हुआ है अभी मैं आपको ट्वेंटी <coughs> तक कराऊंगी ठीक है और ये मैं बताती हूं 19 का दे डैश द डिलपिडेटेड बिल्डिंग वट इज द मीनिंग ऑफ डीडेटेड डीलापिडिटेड का मतलब होता है बेटा नहीं पता है तो क्या लिखोगे इसका मतलब होता है टूटा फूटा अब एक बात बताओ जब घर टूटा फूटा हो लोगों का मोह तो कम होता नहीं है तो सरकारी लोग आते हैं और उस बिल्डिंग से लोगों को निकालते हैं और वो बिल्डिंग ढहा देते हैं तो ढा देना मतलब हो गया आर ए आर जेड ई रेज कर दू सेकेंड फॉर्म बना दो उन लोगों ने बिल्डिंग को गिरा दिया आप कहोगे मैम गिरा देते हैं लगा दो ठीक है आर ए ई लगा दो ठीक है और उन लोगों ने उसे जिंदा पाया दे फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड बेटा अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपको जहां तक कराया है वो पहले मैं आपको बता दूं मैंने आपको कराया था देखो यहां तक फाइंड फाउंड फाउंड एंड फाउंड फाउंडेड फाउंडेड तक यानी ऑलरेडी हम ट्वेंटी तक कर सकते थे है ना दे फाउंड हिम अलाइव उन लोगों ने उसे जिंदा पाया बेटा आपका आज सिर्फ याद करने का पोर्शन बस इतना ही तो है देखो ना कंफ्यूजिंग वर्ब यहां से यहां तक रट्टा मार लो अच्छे से और इसके साथ आप क्या करोगे बस इसके साथ आप जो ट्वेंटी सेंटेंस अभी कराया है वो करोगे बेटा मैंने जो आपका स्पेशल बैच है ना उसका ये पूरा कंप्लीट क्लास नोट्स है जो मैं कराती हूँ आपके स्पेशल बैच में लेकिन ये पूरा कंप्लीट स्पेशल बैच में कराने के लिए हमें समय चाहिए सात से आठ महीना अब मेरे पास सात से आठ महीने अब टाइम नहीं है आपके एग्जाम का तो अगर आप चाहोगे तो पूरा कंप्लीट करना है तो वी ले, ले लेना और नहीं तो मेरे साथ यहाँ पे आप रात में आओगे चार दिन मैं ये गोल्डन रूल्स कराऊंगी और दो दिन वोकेबलरी कराऊंगी वॉल्यूम वन से एक दिन मेरा होता है स्पोकिन तो मैं सातों दिन आऊंगी लेकिन हाँ मैं आपसे एक ही छोटी सी गुजारिश करूंगी कि आप ये चैनल को अगर आप प्रॉपर तरीके से ग्रो करते रहोगे तो मेरा भी एंथुजियाजम बना रहेगा यहाँ आने का आपको क्लास कैसा लगा नीचे लिखो ये पीडीएफ चाहिए तो फटाफट आप कंप्लीटली ये सारे पीडीएफ जो कल का पीडीएफ था आज का पीडीएफ वो दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगा गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में और ये थोड़े देर में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अब क्लास खत्म होते साथ ही बेटा हमारे साथ केड़ी लाइफ के सारे टीचर्स अपनी एकदम जान लगा के आपके लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए केड़ी लाइव चैनल बेटा मेरे चैनल के साथ साथ आप एक चैनल है के डी लाइव जिसमें बाकी सब्जेक्ट का और एस एस सी केडी लाइव बेटा ये दोनों चैनल आप तुरंत सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो तैयार करना है एक नया चैनल हमने बनाया है अपने जयपुर के बच्चों के लिए और उसको भी मैंने आज कम्युनिटी में शेयर किया है अगर आप उसको भी जल्द से जल्द 1000 थाउजेंड के ऊपर पहुंचा दोगे तो उसमें भी क्लासेस लाइव शुरू हो जाएंगे और बेटा याद रखना केरी लाइव और केरी कैंपस आपके लिए बहुत बढ़िया टीचर्स की टीम लेके आती है एनडीए का बैच बहुत जल्दी आने वाला है बेस्ट ऑफ दी फैकल्टी के साथ ऑलरेडी हमारे बैचेस चल रहे हैं लेकिन एक न्यू बैच अनाउंस कर रहे हैं हम उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे मुझे पता है ट्वेल्थ के बाद वो बच्चे बहुत मासूम होते हैं इसीलिए उनका अलग से ग्रुप बनेगा जिसमें उनके पेरेंट्स भी एडेड रहेंगे और बच्चे का सारा प्रोग्रेस रिपोर्ट उस ग्रुप में पेरेंट्स को दिया जाएगा ताकि पेरेंट्स भी देख सके कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है और कैसा पढ़ रहा है केड़ी कैंपस और केड़ी लाइफ में हम लोग पूरा प्रॉपर क्वालिटी का ध्यान रखते हैं और मैं आज के समय में भी इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी रात में दो घंटे जरूर पढ़ती हूं ताकि मैं भी अपडेटेड रहूँ क्यों क्योंकि मुझे भी तो पढ़ाना है और आपको पता है कि कोई भी क्षेत्र हो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है इसलिए आपको भी फिटेस्ट बनना है और मुझे भी फिटेस्ट रहना है तभी हम सर्वाइव करेंगे याद रखिएगा तो आप केड़ी कैंपस के किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से वहाँ सुनिश्चित कर लें कि वो केड़ी कैंपस का ब्रांच है क्योंकि एक दो ऐसे जगहों पर कुछ खबरें आई हैं जो केडी कैंपस के ब्रांच नहीं होने के बाद भी वो लोग ब्रांच चला रहे थे जैसे कि लखनऊ में था जैसे एक बुलंदशहर में है और जैसे कि इलाहाबाद में है। ठीक है कोटा में भी एक है तो ये सब ये सब जगह पर हम नहीं चला रहे इसीलिए इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे हम रोहतक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे हम आपकी जितने भी दिल्ली में सेंटर्स है पटना में और जयपुर में ठीक है और याद रखिएगा हर रोज रात को 10 से 11 मैं इसी चैनल पे आऊंगी और आपके साथ हम पूरा इंग्लिश तीन महीने में तैयार कर लेंगे कुछ क्वेश्चन तो पूछिए मैं बहुत जल्दी ही सेमिनार के लिए पटना और जयपुर में आने वाली हूं तो तैयार रहिएगा अपने क्वेश्चन के साथ जल्द ही आपसे वहाँ पर मुलाकात होगी बाकी मैं यहाँ पे आपको रोज़ मिलती रहूँगी ये चैनल जो गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह है अभी थोड़ी देर में वहाँ पीडीएफ डी टल जाएगा थैंक यू सो मच गुड नाइट